स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग चूल्हा रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी रेसिपी जो कि खास मौकों पर तैयार की जाती है। आज की रेसिपी है दलिया लापसी, इसे कुछ जगह पे दलिया हलवा भी कहते हैं। अगर आपको जानना है सही तरीके से दलिया लापसी कैसे बनाते हैं तो ये रेसिपी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दलिया लापसी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है दलिया। मैंने यहाँ पर ये एक बाउल दलिया लिया है, ये करीबन 100 ग्राम के आसपास है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दलिया लापसी। दलिया लापसी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन में एक चम्मच घी को गर्म कर लेना है। आप चाहें तो घी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जब घी हमारा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पर मिलाना है दलिया। ये एक बाउल मैंने यहाँ पर दलिया लिया है। दलिया को मिलाने से पहले हमें यहाँ पर दलिया को थोड़ा सा साफ कर लेना है। अब हम दलिया को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। दलिया को हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि दलिया हमारा अच्छे से भून नहीं जाता और दलिया में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आती, दलिया को हमें यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। तो मैंने यहाँ पर दलिया को लगभग 4 मिनट के आसपास तक भून लिया है। दलिया हमारा अच्छे से खिल के भून चुका है। अब हमें यहाँ पर मिलाना है नारियल का बुलादा। ये 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप साबुत नारियल को कद्दूकस करके मिला सकते हैं। अब हम नारियल के बुरादे को दलिया के साथ 1 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे भून लेंगे। तो मैंने दलिया को 1 मिनट के आसपास तक और भून लिया है। अब हमें यहाँ पर मिलानी है चीनी। ये आधा बाउल मैंने यहाँ पर चीनी मिलाई है। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने दलिया के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अब हम चीनी को भुने हुए दलिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रसाद के लिए भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मिलाना है पानी। ये करीबन 1 लीटर के आसपास मैंने पानी मिलाया है और पानी हमें यहाँ पर गर्म मिलाना है। गर्म पानी में दलिया थोड़ा सा जल्दी पक जाता है। फिर हमें यहाँ पर मिलाना है फूड कलर। ये 2 पिंच मैंने ऑर्गेनिक फूड कलर मिलाया है। मैंने यहाँ पर ऑरेंज रेड फूड कलर का यूज किया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन फूड कलर हमारा यहाँ पर ऑप्शनल है। अब हम फूड कलर को दलिया के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको जानना है दलिया हलवा गुड़ के साथ कैसे तैयार करते हैं तो इसकी डिटेल वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दलिया को तेज आँच पर 1 उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। तो हमारी दलिया लापसी में तेज आँच पर 1 उबाल आ चुका है, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम दलिया लापसी को मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि दलिया लापसी हमारी हल्की सी सूख नहीं जाती, इसे हम पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दलिया लापसी को करीबन 6 से 7 मिनट के आसपास तक पका लिया है। दलिया लापसी से जो हमारा पानी है काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है इलायची पाउडर। ये 1/4 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची को कूट के शुरुआत में मिला सकते हैं। अब हम इलायची पाउडर को दलिया लापसी के साथ अच्छे से मिला देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम 2 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दलिया लापसी को करीबन 2 मिनट के आसपास तक अच्छे से पका लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दलिया लापसी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको दलिया लापसी बिल्कुल टाइट चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दलिया लापसी रेसिपी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से दलिया लापसी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा दलिया लापसी बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।